हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रैक इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम द वॉइस ऑफ द रेन जो वाल्ट विटमैन की लिखी हुई है उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और पेज नंबर 42 पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हर पॉइंट के क्वेश्चंस की तरह इसके भी क्वेश्चंस मैं आपको नहीं लिखा रहा हूँ, आंसर्स लिखा रहा हूँ। पेज नंबर 42 पे आप क्वेश्चंस देख लेना और अपनी नोटबुक में लिख लेना। अब देखो, इसमें कवि और रेन दोनों बात कर रहे हैं। कवि आपको बता रहा है कि मुझे अजीब लग रहा है, मैंने वर्षा की बूंदों से पूछा कि आप कौन हो, उसने मुझे आंसर दिया कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इस प्रकार से इसमें पोइट और रेन के बीच में बात होती है और पोइम में रेन कहती है कि जिस प्रकार से संगीत अपने जन्म स्थान से उठकर ऊपर चला जाता है, उसे कोई लाइक करे नहीं करे वापस वहीं आ जाता है, सेम उसी प्रकार से मैं मेरे बर्थ प्लेस से स्टार्ट होती हूँ और बर्थ प्लेस पे ही वापस आ जाती हूँ, चाहे मुझ पर कोई ध्यान दे या नहीं दे। अब देखो, इसमें पेज नंबर 42 के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोइम, हु डू दे बिलोंग टू, व्हिच लाइंस इंडिकेट दिस। इसमें दो आवाजें हैं, इस पोइम में दो आवाजें हैं, वो किस किस से बिलोंग करती हैं? दो आवाजें कौन कौन सी? एक तो पोइट बात कर रहा है रेन से और रेन उसको रिप्लाई कर रही है, दोनों की आवाजें हैं। फर्स्ट लाइन में, पोइम की फर्स्ट लाइन में पोइट की आवाज है और पोइम की थर्ड लाइन में किसकी आवाज है? रेन की आवाज है, वो ही हमें लिखनी है। यहाँ पे लिखो, दीज टू वॉइसेस बिलोंग टू द पोइट एंड द रेन। दीज लाइन्स आर कौन कौन सी लाइन है ये? फर्स्ट लाइन, पोइम की फर्स्ट लाइन जो है वो पोइट की वॉइस है। एंड दाउ फॉलिंग सोवर, फर्स्ट लाइन एंड दाउ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फुल लाइन लिख लेना, फॉलिंग सोवर, ये किसकी आवाज है? वॉइस ऑफ द पोइट, कवि की आवाज है इसमें। और थर्ड लाइन जो है वो आई एम द पोइम, थर्ड लाइन आई एम द पोइम, और इसके लास्ट में है ऑफ द रेन, और ये किसकी वॉइस है? वॉइस ऑफ द रेन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर टू क्या लिखा है? व्हाट डज द फ्रेज स्टेंस टू टेल मीन, स्टेंस टू टेल मीन क्या है? स्टेंस टू टेल का क्या मतलब है? देखो, कवि ने जब वर्षा को पूछा कि आप कौन हो, तो वर्षा ने उसको आंसर दिया, मैं पृथ्वी की कविता हूं। अब ये आपको बताते हुए कवि को अजीब लग रहा है, वो कह रहा है कि मैं आपको बताते हुए अजीब महसूस कर रहा हूं कि वर्षा ने मुझे आंसर दिया, अजीब लग रहा है पोइट को बताते हुए। लिखो आप आंसर में, स्टेंस टू टेल मीन्स, स्टेंस टू टेल means, stands to tell means that the rain gave an answer, that the rain gave an answer to the poet, कि वर्षा ने आंसर दिया कवि की बात का। टू द पॉइंट, इट सीम्स टेंस टू टेल, इट सीम्स स्टेंस टू टेल, इट सीम्स टेंस टू टेल हाउ द रेन आंसर्ड द पॉइंट, हाउ द रेन answer ये बताते हुए अजीब लग रहा है कि वर्षा ने किस प्रकार से पोइट को आंसर दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट
थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया देयर इज ए पैरेलल ड्रॉन, पैरेलल समानता ड्रॉन प्रस्तुत की है बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, रेन और म्यूजिक के बीच में एक समानता प्रकट की गई है पॉइंट में रेन और म्यूजिक के बीच में। आगे क्या लिखा है, विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, कौन से शब्द ये दिखाते हैं, एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू, इन दोनों में सिमिलरिटी बतानी है। देखो दोनों में समानता प्रकट है, म्यूजिक जहां से स्टार्ट होता है वहीं आकर रुकता है, वर्षा जहां से चलती है वहीं आकर फिर रुक जाती है, दोनों में समानता प्रकट की है, आंसर में लिखो। दीज वर्ड्स आर, सीधा लिख लो, दीज वर्ड्स आर, दीज वर्ड्स आर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम, सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम, बीच में छोड़ देता हूं मैं, आप कंप्लीट लिख लेना, विद लव रिटर्न्स, विद लव रिटर्न्स, विद लव रिटर्न्स। द सिमिलरिटी बिटवीन म्यूजिक एंड रेन, द सिमिलरिटी बिटवीन बिटवीन म्यूजिक म्यूजिक एंड रेन, इज दैट दे बोथ, इज दैट दे बोथ, इज दैट दे बोथ मे वांडर एनीवेयर, मे वांडर, मे वांडर एनीवेयर, मे वांडर एनीवेयर बट एट लास्ट, बट एट लास्ट रिटर्न, बट एट लास्ट रिटर्न टू देयर बर्थ प्लेस, टू देयर बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस विद लव, विद लव। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या लिखा है इसमें, दीज वर्ड्स आर, कौन से सिमिलरिटी दिखाते हैं, सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम विद लव रिटर्न्स, इसमें ये बताया गया है द सिमिलरिटी बिटवीन म्यूजिक एंड रेन इज दैट दे बोथ मे वंडर एनीवेयर, म्यूजिक और रेन में क्या समानता है कि वे दोनों कहीं भी घूम सकते हैं, बट एट लास्ट रिटर्न टू देयर बर्थ प्लेस विद लव, परंतु अंत अपने बर्थ प्लेस पर लौट जाते हैं प्रेम के साथ। ये क्वेश्चंस 3 हो गए हैं, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 42 से देखने हैं द वॉइस ऑफ द रेन के, मैं आपको आंसर लिखा रहा हूं। अब हम लिखने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया फोर्थ क्वेश्चन में, जिसका आंसर हम लिखने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोइम, साइक्लिक मूवमेंट चक्कर कैसे बताया गया है रेन का पोइम में, कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्न, इसे कंपेयर करना है जो आपने सीखा है इन साइंस, साइंस में वो वाटर का जो चक्र है, पानी का जो चक्र है, उसके बारे में आपने जो साइंस में पढ़ा है उससे कैसे कंपेयर किया गया है इस पोइम में वर्षा के मूवमेंट को, वो आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, द पोइम डिस्क्राइब्स दैट रेन वाटर एजेस, द पोइम डिस्क्राइब्स, द पोइम डिस्क्राइब्स दैट रेन वाटर, रेन वाटर रेजेस, वर्षा का पानी उठता है अपवार्स आउट ऑफ द रेन, रेजेस अपवार्स, अपवार्स आउट ऑफ द लेन, ऊपर की ओर उठता है
जमीन से, एंड डीप सी लैंड, एंड डीप सी जमीन और गहरे समुद्र से उठता है, एंड गैदर्स इन द स्काई, गैदर्स इन द स्काई एंड गैदर्स इन द स्काई एंड कम्स डाउन, एंड कम्स डाउन, कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है. दिस इज लाइक वाटर साइकिल, दिस इज लाइक वाटर साइकिल, दिस इज लाइक वाटर साइकिल दैट रेजेस अपवर्ड, दैट रेजेस रेजेस अपवर्ड, that rages upward in the form of vapor, in the form of vapor, in the form of vapor, takes form of clouds, takes form of clouds, बादलों का रूप ले लेता है, एंड कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, एंड कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है. देखो वाटर साइकिल. द पोइम डिस्क्राइब्स दैट रेन वाटर रेजेस अपवर्ड, कविता वर्णन करती है कि वर्षा का पानी ऊपर उठता है, आउट ऑफ द लैंड जमीन से, एंड डीप सी और गहरे सागर से, एंड गैदर्स इन द स्काई और आसमान में इकट्ठा हो जाता है, एंड कम्स डाउन और नीचे आ जाता है, इन द फॉर्म ऑफ रेन वर्षा के रूप में. दिस इज लाइक वाटर साइकिल, ये पानी के चक्कर की तरह है, दैट रेजेस अपवर्ड जो ऊपर उठता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर वाष्प के रूप में, टेक्स फॉर्म और ले लेता है रूप ऑफ क्लाउड्स बादलों का, एंड कम्स डाउन और नीचे आता है, इन द फॉर्म ऑफ रेन वर्षा के रूप में, वर्षा की फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई आर द लास्ट टू लाइंस पुट इन विद इन ब्रैकेट्स, लास्ट लाइंस को ब्रैकेट में क्यों लिखा गया है. देखो पूरी पोइम में बात करते हैं पॉइंट और रेन, वर्षा उसको जवाब देती रहती है, लेकिन लास्ट की जो दो लाइन है वो म्यूजिक के बारे में है, इससे पोइम से हटके हैं, रेन जो पोइम में कवि से बात करते हैं उससे हटके हैं, इसलिए इनको ब्रैकेट्स में रखा गया है. लिखो आंसर में, द लास्ट टू लाइन्स, द लास्ट टू लाइन्स लाइन्स आर ए कॉमेंट, आर ए कॉमेंट अबाउट म्यूजिक, अबाउट म्यूजिक एंड म्यूजिक एंड इट्स साइकिल, म्यूजिक और इसके चक्र के बारे में. दीज आर इन ब्रैकेट्स, दीज आर इन ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स में लिखी गई हैं. Because this is not the point of, this is not, because this is not the part, ये हिस्सा नहीं है, not the part of the conversation, क्योंकि ये हिस्सा नहीं है कन्वर्सेशन का, बिटवीन द पॉइंट एंड द रेन, बिटवीन द पॉइंट एंड द रेन, क्योंकि ये पॉइंट
और रेन के बीच में जो कन्वर्सेशन है उसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लास्ट क्वेश्चन, आंसर, लिस्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट फाउंड इन द पोइम। वो अपोजिट पेयर्स बनाने हैं, वो अपोजिट वर्ड लिखने हैं जो पोइम में बताए गए हैं। आप लिखो आंसर में, दीज पेयर्स आर, दीज पेयर्स आर, वो जोड़े बताने जो अपोजिट हैं। नंबर वन, पहला कौन से हैं, राइज, राइज, डिसेंट, राइज ऊपर उठना और डिसेंट नीचे आना, अपोजिट हो गए। नंबर टू, चेंज्ड और सेम, चेंज्ड इसका क्या हो जाएगा, सेम। नंबर थ्री, नंबर थ्री है लेन, हेवन, धरती और स्वर्ग। फोर्थ है अर्थ, हेवन, अर्थ, हेवन, और नंबर फिफ्थ है डे, नाइट, डे, नाइट, और नंबर सिक्स है इसमें रेड, रेड ध्यान दिया जाए और अनरेड। ये अपोजिट वर्ड्स हैं जो इस पॉइंट में आए हैं। देखो मैं फिर बता दूं, राइज का मतलब ऊपर उठना, डिसेंट का मतलब नीचे उतरना, चेंज का मतलब बदली होना, सेम का मतलब वही रहना, लेन का मतलब धरती और आसमान है, यहाँ पे धरती और आसमान, अर्थ पृथ्वी और हेवन स्वर्ग, डे दिन, नाइट रात, रेड ध्यान दिया जाए और अनरेड ध्यान नहीं दिया जाए। आज की क्लास में इतना ही। इसमें हमने क्वेश्चन किए हैं द वॉइस ऑफ द रेन, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पोएम की एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। थैंक यू।